समाचार रुक्मणी को मिला, जब ये समाचार रुक्मणी को मिला, सुखदेव जी बता रहे राजन परीक्षद, मन ही मन रुक्मणी विचार करने लगी, मेरा भाई मेरा विवाह अपने साले ससुराल के साथ में करेगा। दुखी हो गई, अरे मैंने तो अपने मन से भगवान कन्हैया को अपना पति मान लिया है और मैं भगवान की सेवा किसी के साथ में विवाह नहीं करूंगी, मैं उस कन्हैया के साथ में विवाह करूंगी। चिंता में पड़ी हुई है और जब चिंता में पड़ी है, इतने में देखा एक ब्राह्मण देव आ गए, दरवाजे के बाहर खड़े, आवाज लगा दी, माता भिक्षाम देई। अंदर से रुक्मिणी दौड़ी दौड़ी आई, पंडित जी भिक्षा लेने आए हो ना, मैं तुम्हें भिक्षा तो दे दूंगी, क्या मेरा ही काम कर दोगे? पंडित जी बोले बेटा बता क्या काम है तेरा, कर दोगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल, हमारे परीक्षित महाराज की तरह बहुत चालाक आदमी चले भी किधर सीधे, कर दोगे ना? बोले हाँ। एक पत्र लिखा था, पंडित जी ये मेरा पत्र है, इस समय द्वारका के राजा हैं भगवान कृष्ण और ये पत्र गोविंद को दे दे। पंडित जी कहने लगे ले बेटा मेरे पे बुढ़ापो है, इतनी दूर द्वारका में मैं कैसे जा पाऊंगा, मैं तेरे काम को मना कर दिया, मैं नहीं करूंगा। रुक्मिणी मैया ने पंडित जी को डोनेशन देना शुरू कर दिया, पंडित जी मैं आपको सोने का हार दूंगा, दूंगी मेरे पत्र को भगवान कन्हैया को पहुंचा दूंगा। बेटा सोने को हार दे तो अच्छा, पहले हार दे दे। पंडित जी बोले बेटा पहले हार दे। रुक्मिणी बोली पंडित जी मेरे पत्र को भगवान तक पहुंचा दो और लौट के तुम आओगे मैं तुम्हें हार दे दूंगी। बोले ना बेटा राम राम हम चले अपने घर, पहले हार दे और तुम हार दे दोगी तो मैं जाकर के तुम्हारी सूचना भगवान कन्हैया को दे दूंगा। रुक्मिणी समझ गई पंडित जी ऐसे तो जाएंगे नहीं। एक बार ऐसा हुआ, हमारे शर्मा जी भोजन करवाते हैं रोजाना और हमारे पंडित जी महाराज, तो कभी एक पूरी मैं अपने पास से उठा के रख देता हूँ, कभी कोई और उठा के रख देता है। ऐसी एक व्यक्ति ने भोजन करवाया एक पंडित जी महाराज, आप जैसे आदमी कोई बड़ो चालाक, चालाक बोरे ना होता महाराज, चालाक चतुर को कहते हैं। सो हमारे परीक्षित महाराज जैसे कोई आदमी रहे, सो पंडित जी से बोलो पंडित जी आज का भोजन मेरे घर है। सो पंडित जी बेचारे चले आए, बड़ो चालाक आदमी है, सो पंडित जी को पहले खीर पूड़ी खिलाना शुरू कर दिया और पंडित जी बेचारे खीर पूड़ी खाए, और पंडित जी जब खीर पूड़ी खाए थोड़ी देर बाद बोले चार छह पूड़ी खाई, पेट में हाथ फेरो पंडित जी, बोले बस भर गई। क्या बोले? बस भर गई। पंडित जी एक पूड़ी और चले, ना ना महाराज एक पूड़ी और ले ले रख दे, वो पूड़ी भी खा ली। पंडित जी बोले बस भर गई महाराज, एक और चले, जबरदस्ती एक और रख दी। पंडित जी बोले ना 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 महाराज अब बिल्कुल नहीं चलेगी, अब तो बस भर गई, पेट में हाथ फेरे बोले बस भर गई। महाराज अभी तो खीर बाकी है खीर, पंडित जी बोले ले आओ। महाराज आप तो कह रहे बस भर गई, बोले बस तो भर गई लेकिन कंडक्टर की सीट खाली है उसमें डाल दूंगा। पंडित जी महाराज कहने लगे बेटा मुझे हार दे दे और हार दे देगी तो मैं चला जाऊंगा द्वारका के लिए और तेरा पत्र पहुंचा दूंगा।